बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम रमन सिंह को स्टार प्रचारक न बनाए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा, तो रमन सिंह ने भी जोरदार पलटवार किया और कहा कि आखिर बीजेपी नेतृत्व के फैसले से बघेल को क्या परेशानी है। बीजेपी ने रमन सिंह को नहीं बनाया स्टार प्रचारक, सीएम ने रमन सिंह पर कसा तंज, रमन सिंह ने भी किया पलटवार। बीजेपी के फैसले से सीएम क्यों हो रहे परेशान? हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रमन सिंह को स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर क्या किया, विरोधी रमन सिंह पर तंज कसने लगे। सीएम भूपेश ने भी बीजेपी के इस फैसले को लेकर रमन सिंह पर निशाना साधा और कहा कि आज पूरा देश इस बात को जान चुका है कि गरीबों का चावल किसने लूटा है और शायद इसलिए ही बीजेपी ने रमन सिंह को चुनाव प्रचार से दूर रखा है। पूरा देश जान चुका है कि गरीबों का चावल किसने चुराया, 36,000 करोड़ का घोटाला किसने किया, ये पूरे प्रदेश जान चुका है, इसलिए उसको नहीं बुलाया। वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे तो इस मामले में एकदम आगे बढ़ गए और पूर्व सीएम रमन सिंह को नकारा तक कह दिया। डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए आत्मचिंतन और आत्म अवलोकन का समय आ गया, ऐसा अब मैं महसूस करता हूँ। सारे देश में उनको चौर वाले बाबा के नाम से प्रचारित किया गया था और चौर वाले बाबा के राज में नाव में 36,000 करोड़ का चावल का ही घोटाला हुआ, जिसके कारण जनता ने नकार दिया। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो हाई कमांड है, नेतृत्व है, उन्होंने भी डॉक्टर रमन सिंह से जी से दूरियां बनाना शुरू कर दी। अब ये उनका तर्क हो सकता है, लेकिन उनकी पार्टी में ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि अगर नकारा साबित हो गया तो उसका क्यों और उपयोग किया जाए, ऐसा सोच रहे होंगे। वहीं सीएम के वार के बाद रमन सिंह ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और कहा कि स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, ऐसे में भूपेश बघेल क्यों परेशान हो रहे हैं? उसमें दुख नहीं होने की उसकी क्या जरूरत है? मुझे छत्तीसगढ़ में रहना है और छत्तीसगढ़ के चुनाव अभियान में मैं रहूँगा, तो कौन कहाँ जाता है ये तो पार्टी तय करती है, कोई भूपेश तय करता है या डॉक्टर रमन तय नहीं करता। उनका आरोप है कि यहाँ पे चावल चोरी की गई है चावल वाले बाबा ने, इसलिए उन्हें नहीं भेजा जा रहा है वहाँ। चावल इस छत्तीसगढ़ का पूरे राष्ट्रीय स्तर में उसकी पहचान है और देश में दुनिया में ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। ये सारी तथ्य और झूठे बातें जो करने से छत्तीसगढ़ में यदि वो चरित्र हत्या करना चाहता है उसका कोई फर्क नहीं। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची से रमन सिंह को बाहर कर विरोधियों को हमला करने का मौका दे दिया है, ऐसे में अब कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का कोई मौका छोड़ने के मूड में नहीं है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।